जैसे सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारे यहीं पर क्षेत्र के जैसे देव सिंह रावण, जिनको जिनको देबू रावण ही करके जिनका नाम ही फेमस हो गया, जो रामलीला में यहाँ पर रावण का किरदार करते थे, हमने तो उनको नहीं देखा, लेकिन बताते हैं कि उन्होंने लास्ट टाइम ये कहा कि अब बिल्कुल सच्ची मुच्ची की रामलीला होगी, बिल्कुल है ना। उनने कहा कि मैं मंच में ही मरूंगा, मतलब इतने ऐसे ऐसे भी यहाँ पर लोग रहे, उनने कहा भाई लोहे के बाण होंगे और मैं मंच में ही मरना चाहूंगा, मतलब तो ऐसे लोग भी यहाँ पर पैदा हुए हैं, मतलब। मेरा कहना यह है, सबसे बड़ी विडंबना यह है, ये 6 8 फैया की हमारी रामलीला है। 6 8 फैया का इसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर सहयोग होता था, आज जो जरा नगण्य हो रहा है, कुछ लोग तो बाहर बच गए हैं। मैं 6 8 फैया वालों से यही अपील करना चाहता हूँ, आप इससे जुड़ें। जो लोग बाहर भी रहते हैं, यहाँ समय नहीं भी दे पाते हैं, वो फिर भी रामलीला का सहयोग करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं सुबह के समय गया था सोमेश्वर। सोमेश्वर जाने का कारण ये था कि मुझे जो वहाँ की रामलीला कमेटी के सदस्य थे, सदस्य पदाधिकारी, कलाकार और जो संचालक करने वाली लोग थे, उनसे मिलना था। और उनसे मिलकर आज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको बताते हुए खुशी हो रही है दोस्तों कि हमारी जो सोमेश्वर में रामलीला कमेटी है, उसको 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। विगत 100 वर्षों से वो लगातार रामलीला का मंचन कर रहे हैं सोमेश्वर में। तो इसमें किस तरह के उतार चढ़ाव आए हैं और नए जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या उतार चढ़ाव देखे हैं, यही सब बातें आज मैंने उनसे पूछी और काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। तो इस वजह से मुझे पता था कि ये बातचीत लंबी होगी, इस कारण मैंने यहाँ से सोमेश्वर जाने का और वो सब वीडियो में दिखाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा लंबी बातचीत होगी तो बातचीत को ही दिखाऊंगा। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और दीपक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, दीपक गोस्वामी जी का, कि उन्होंने इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया कि सोमेश्वर की इतनी पुरानी रामलीला है तो उसके जो वर्तमान में सदस्य हैं उनसे मैंने बातचीत करनी चाहिए। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए। फिलहाल उनसे जो मैंने बातचीत की वो आप देखिए, सीधे सोमेश्वर में ये बातचीत हुई थी और जहाँ से ये बातचीत हुई वहीं से इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं हूँ सोमनाथ महावीर रामलीला कमेटी सोमेश्वर में, और ये कक्ष है जहाँ पे तालीम चलती है और ये सभी लोग कमेटी से जुड़े हुए सदस्य हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ, एक कोने से आपका जो है परिचय कराता हूँ। तो यह विनोद जी, आप अपना परिचय खुद ही देंगे। मैं मोहन सिंह बोरा हूँ, मैं अभी रामलीला में व्यवस्थापक और प्रमोटर की पदवी संभाल रहा हूँ। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको इसमें जुड़े हुए? मैं 9 साल से मैंने रामलीला से जुड़ा हूँ। 9 साल की उम्र में मैंने सखियों का पार्ट खेल लिया था। लगभग लगभग मैं आज मेरे को 41 साल हो गए रामलीला से जुड़े हुए। अच्छा। हाँ, बहुत सारे पार्ट खेल दिए हैं, बहुत सारे अभिनय कर दिए हैं, ठीक है ठीक फिर है। भी एक लगाव है जो अभी तक जुड़े हैं, ये लगाव टूटने वाला भी नहीं है। बिल्कुल, इस लगाव के बारे में हम बातचीत करेंगे आगे। तो ये है विजय जी। रमेश, मेरा नाम रमेश भारती है और मैं भी करीब करीब जब 10 साल का था तब से मैंने भी सखियों का पार्ट खेला और हम तब से इस सोमेश्वर रामलीला जो हमारी होती है मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ। और अभी एक पदाधिकारी के तौर पे मैं इस रामलीला का रामलीला में बराबर अपनी प्रतिभा करते रहता हूँ और अनेकों पार्ट भी खेल लिए हैं, मतलब गिनती नहीं है अब क्या किसका किसका नाम लें, काफ़ी समय हो गया मतलब इस रामलीला से जुड़े। आप बताएं सर। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम विजयगिरी गोस्वामी है। 10 साल की उम्र से मैं भी रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 35 साल हो गए हैं और बड़े बड़े अनुभव लिए, बड़ी बड़ी जानकारियाँ ली पहले के समय में और आज के समय में कितना परिवर्तन आ चुका है, कैसे लोग इसमें क्या कहते हैं अपना प्रतिभाग करते थे, दिन रात एक करके लोग यहाँ पर जुड़ते थे। आज तो समाज में ऐसा हो गया कि फास्ट संस्कृति हो गई, फास्ट समय हो गया, किसी को समय है ही नहीं इसमें काम करने के लिए, इसमें जुड़ने के लिए। आज इंसान की रुचि भी नहीं रह गई है इसमें जुड़ने के लिए। बाकी मेरे भाई साहब से भी बोरा जी, मैं शिवेंद्र सिंह बोरा, मैं रामलीला कमेटी का सचिव हूँ। मंच के रूप में रामलीला से मैं बहुत कम जुड़ा रहा क्योंकि मैं कभी अभिनय नहीं किया है, बाकी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं रामलीला से जुड़ा रहा हूँ, इसीलिए आज मेरे पास सचिव का पद भी है। और मेरा लगाव अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो भी हमसे संघर्ष करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि इस समय रामलीला का मंचन करने का मतलब है कि ये आपने संघर्ष करना है, क्योंकि अब वो समय रह ही नहीं गया है कि जैसे पहले एक एक पार्ट के लिए कई कलाकार खड़े होते थे, उनके बीच में कंपटीशन होता था, जैसे जूरी बैठती है वैसे कमेटी के सदस्य चुनते थे, लेकिन आज कलाकार ढूंढने में नहीं मिल रहा है।
तो एक बहुत बड़ा संघर्ष है एक रामला का मंचन करना। सनवाल जी आप बताएं कुछ। नमस्कार, मेरा नाम मदन मोहन सनवाल, मैं दलमुड़ी गांव का रहने वाला हूं और अभी वर्तमान में रामलीला कमेटी सोमेश्वर का कोषाध्यक्ष हूं। तो हमारी जो रामलीला है ये बहुत परंपरागत लगभग 100 साल इस रामलीला को बीत चुके हैं। तो ये बहुत ही सुंदर हमारे यहाँ रामलीला होती थी जब हम इस रामलीला से जुड़े, मतलब तो इतना अच्छा लगता था रामलीला से कि हम जब नहीं जुड़े थे तब ये लगता था कि क्या हम भी कभी इस रामलीला में मंचन करेंगे। उसके बाद फिर जब हमको मौका मिला, सर्वप्रथम एक हास्य कलाकार के रूप में मौका मिला, वो भी रामलीला कमेटी में हास्य कलाकारों का नहीं होना, उस समय कमेटी को ज़रूरत थी, तो हमने कमेटी से एक कलाकार थे यहाँ पर जो राम का अभिनय करते थे, भरत भारती, अभी हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया कि सनवाल जी आएंगे आज हास्य कलाकारी करने के लिए। तो उस समय जो पुराने लोग थे जो आज नहीं है इस दुनिया में, उन लोगों के द्वारा रामलीला में हमारा पदार्पण हुआ। बहुत सुंदर यहाँ की रामलीला होती है, अभी भी होती है, पहले भी होती थी, अभी भी होती है। अब थोड़ा सा ये हो गया है कि आज स्थिति जो है, जो अत्याधुनिक जो युग आया है उसमें लोगों का थोड़ा सोच बदला है और इस टाइप की स्थितियों से लोग थोड़ा अलग हो गए हैं। तो लेकिन ये बहुत सुंदर रामलीला हमारे वहाँ की है, जो आगे भी होगी बहुत बढ़िया होगी। तो बुरा जी आप भी बताएं। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश बुरा, सोमनाथ महावीर रामला कमेटी में आज मेरे को अध्यक्ष पद का दायित्व मिला है और मैं इस रामला कमेटी में बचपन से मैं भी जुड़ा हूँ। शायद मैं 8-9 बरस जब मेरे को हुआ हुआ तब से मेरे पिताजी मेरे को यहाँ लाते थे, तो जब मैं सखियों का पाठ खेलता था तो मेरे लिए अलग ही उन्होंने एक पहले बहुत पुराने जमाने में झूल टाइप का एक बनता था, तो उस वो पहन के मैं यहाँ पर सखियों का पाठ खेलता था। उसके बाद अनेकों पाठ मैंने भी खेले हैं और सबसे ज़्यादा जो रामला कमेटी ने मेरे को सबसे ज़्यादा अभिनय करने का जिसमें मौका दिया वो सूर्पनख का पाठ था, जो लगभग मेरे को लगता है कि 15 साल लगभग मैंने सूर्पनख का पाठ खेला। मैंने सोमवार यहाँ अपने इस रामला के अलावा भी जैसे छाने में भी रामला होती है, झुपुल चौरा में रामला होती है और मनसाली नाले में रामला होती है, लगभग हर जगह भी मेरे को सूर्पनख पाठ खेलने का मौका मिला है। और हमारी ये रामला जो है बहुत पौराणिक रामला है, लगभग 100 साल से ऊपर इस रामला को हुआ है और आगे भी हम चाहते हैं कि इसको एक रामला के तौर पर नहीं, रामला एक हम ये चाहते हैं कि एक संदेश मैसेज जो है पूरे जनता में जाए कि कैसे रामचंद्र जी का व्यवहार क्या था, लक्ष्मण जी का व्यवहार क्या था, भरत शत्रुघ्न या दशरथ जी या हम रावण का भी अभिनय लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हर किसी का अपने आप में एक अलग महत्व है। उस चीज़ को हम यहाँ पर दर्शाते हैं और उससे हम सोचते हैं कि यहाँ पर जो दर्शक आ रहे हैं वो कुछ चीज़ सीख के जाएँ और उसका पालन करते हुए एक जो नई पीढ़ी हमारी जो है बहुत एडवांस हो रही है, वो एक समाज को एक संदेश देने के लिए हम इस रामला को करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। तो बुरा जी ये बताइए कि अभी बीते सालों में मनोरंजन के साधन काफ़ी बढ़ गए हैं, काफ़ी सारे साधन हो गए हैं, तो वैसे स्थिति में रामलीला में लोग रुचि ले रहे हैं, कितनी रुचि ले रहे हैं, पहले की भीड़भाड़ कितनी थी और आज के समय में जब आप मंचन करते हैं रामलीला करते हैं तो कितनी भीड़भाड़ यहाँ पे रहती है? भीड़भाड़ का जो विषय है, पहले पूरे सोमेश्वर क्षेत्र में एक रामलीला होती थी सोमेश्वर में, आज रामला का प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया है कि देखो यहीं पर हमारे रनमन में रामला होती है, अभी नई नई ग्वालाकोट में रामला हो रही है, झुपुल चौरा में रामला होती है, चनौदा में रामला होती है, छानी में रामला हो रही है, यहीं पर ढूमरगांव में रामला हो रही है। तो रामला जो एक प्रचलन ज़्यादा हो गया है उसकी वजह से क्या होता है कि अगल बगल ज़्यादा वहाँ पर हो गई है तो वहाँ के लोग अब यहाँ पर सोमेश्वर में की ओर कम आते हैं, क्योंकि हमारी जो रामला है पहले हमारे चैत में रामला होती थी, अब हमारी असोज में रामला होती है नवरात्रि में, और स्थिति के हिसाब से क्योंकि आप सही कह रहे हैं आज मनोरंजन के साधन ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जो रामला देखने आता है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं अपील ये करना चाहूँगा कि आप चाहे सोमेश्वर में हैं चाहे अदर कहीं भी रामला होते हैं तो वहाँ उस मंचन को देखने जाएँ और उससे जो अच्छी बातें होती हैं वो सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएँ, जिससे आने वाला भविष्य आपका
अच्छा रहेगा, उज्जवल रहेगा, क्योंकि एक ठीक है एडवांस हो रहा है आदमी, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, वो एक अपने स्तर पर सही है, लेकिन संस्कारी होना भी बहुत ज़रूरी है ऐसा हमको लगता है। तो इसलिए हम पूरी कमेटी इसको, इस मंचन को लगातार करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सनवाल जी, ये बताइए, जैसे आपको बहुत समय हो गया है यहाँ पे जुड़े हुए, तो मैं आपसे चाहूँगा कि कोई आप ऐसा किस्सा हमको बताएं सोमेश्वर रामलीला से जुड़ा हुआ, या फिर कभी मंच पर ऐसा कुछ घटा हो, कोई यादगार किस्सा जिसने आपके जीवन को भी कहीं ना कहीं बदला हो। यादगार ऐसा है, देखो मैं तो ये मानता हूँ, जैसे मैं जब रामलीला से जुड़ा, मेरे लिए वो सबसे बड़ा यादगार दिन है, जब मैं उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, मतलब है ना। तो अब यादगार मेरे लिए सबसे बड़ी यादगार वही है कि मैंने ये सोच के माना कि जैसे राम का जो किरदार अभी ना यहाँ पर हो रहा है, तो लास्ट दिन जो हमारा जो राज्याभिषेक होता है, तो उसमें अब हमने अपनी परीक्षा तो दे दी थी, तो हमने एक ये मान के चले थे कि भगवान राम हैं और इस साल हम पास हो जाएं। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत वही है कि मैं पास हो गया। मैं इसे मानता हूँ रामलीला को कि मेरे को एक बहुत बड़ी सफलता इस मंच से मिली। अच्छा। सबसे बड़ा तो ये है। दूसरा ये है कि रामलीला से वैसे कई किस्से जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं, कई किस्से हमने भी रामलीला में सुनाए हैं। तो ऐसा तो रामलीला में ऐसा वो तो है नहीं, लेकिन रामलीला में इतना ज़रूर है कि कई ऐसे कलाकार हमको देखने को मौका मिला है जो वाकई में जिन्होंने मतलब अपने को उस किरदार में आत्मसात करते हुए अपने अभिनय को यहाँ पर दिखाया, जो आज वाकई में तारीफ़ काबिल हैं। जो लोग आज हमारे बीच में नहीं भी हैं, उसमें भी कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने बखूबी यहाँ पर रामलीला में अपना मंचन कर अपने मतलब जो पार्ट को खेला है, वो वाकई में देखने लायक है और सुनने लायक आज भी है। जैसे सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारे यहीं पर क्षेत्र के जैसे देव सिंह रावण, जिनको देबू रावण ही करके जिनका नाम ही फेमस हो गया, जो रामलीला में यहाँ पर रावण का किरदार करते थे, हमने तो उनको नहीं देखा, लेकिन बताते हैं कि उन्होंने लास्ट टाइम ये कहा कि अब बिल्कुल सच्ची मुच्ची की रामलीला होगी, बिल्कुल है ना। उन्होंने कहा कि मैं मंच में ही मरूंगा, मतलब इतने ऐसे भी यहाँ पर लोग रहे, उन्होंने कहा भाई लोहे के बाण होंगे और मैं मंच में ही मरना चाहूँगा, मतलब तो ऐसे लोग भी यहाँ पर पैदा हुए हैं, मतलब। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। अपनी ये कहाँ, किस गाँव के थे? यहीं पर बिधुना गाँव है, भानाराट के अंतर्गत बिधुना गाँव है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो पूरा जी, आप बताएं ऐसी कोई याद, कोई किस्सा, और या फिर किस तरह से आपके जीवन में रामलीला का जो मंच है उसने क्या किरदार निभाया? नेगी जी, ऐसा है ना, मंच पर मैंने कला का अभिनय तो नहीं किया, जैसे मैंने पहले बताया मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज से जुड़ा रहा, लेकिन इस रामलीला से जुड़ने के बाद, यहाँ पर सचिव का दायित्व निभाने के बाद, मुझे समाज में जो मेरा परिचय गया, जो मेरे बोलने की क्षमता, एक वक्ता क्या बोल रहा है, मेरी बोलने की जो शैली है, उससे मुझे बहुत अच्छा अनुभव भी मिला और बहुत जगहों पर मेरा सम्मान भी हुआ। मुझे कई विद्यालयों में भी बुलाया जाता है, कहीं कोई अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वहाँ भी बुलाया जाता है, कोई खेल प्रतियोगिता होती है वहाँ भी होता है, कहीं पर शहीदों का सम्मान में कहीं कोई कार्यक्रम होता है वहाँ भी बुलाया जाता है। मैं समझता हूँ कि समाज से जुड़े रहने के लिए आपको, आप किसी भी भूमिका में रहें, लेकिन आप अगर ये सोचें कि मैं यहाँ पर अपनी भूमिका में कुछ कर सकता हूँ, तो वो एक अच्छा संदेश जाता है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं रामलीला में सचिव के पद पर रहते हुए, जो जितने दिन भी मैं रामलीला के मंच पर जाता हूँ, तो कुछ ना कुछ दो शब्द प्रतिदिन बोलता हूँ, तो मेरी प्रतिदिन कोशिश रहती है कि मैं हर दिन कुछ नया बोलूँ और एक नया संदेश समाज को दूँ। और मेरे लिए रामलीला का मंच इससे मेरे लिए सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि रामलीला मंच से जुड़ने के बाद मेरा इस समाज में, क्योंकि मैं 20-22 साल बाहर सर्विस करते रहा, उसके बाद जब मैं आया तो रामलीला मंच से जुड़ने के बाद ही मेरा सामाजिक जो दायित्व है वो मेरे को मिलते रहे, सामाजिक जो मेरी पहचान है वो बढ़ती गई, इसलिए मैं रामलीला मंच में जाने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, रामलीला से जुड़ने का सौभाग्य मिला है, मेरे जीवन का वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। तो ये है, तो आप तो कलाकार के तौर पर जुड़े हैं हमेशा से ही, शुरू से ही, तो कलाकार के तौर पर बताएं कि आप क्या क्या परिवर्तन आ चुके हैं रामलीला में हमारी जो सोमेश्वर की रामलीला। देखिए, परिवर्तन तो बहुत हो चुका है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये परोरा घाटी की धरोहर है हमारी रामलीला, और जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा तो हास्य कलाकारी में मदन मोहन सनवाल और विजय गिरी, मेरा नाम है, हमारा नाम जरूर आएगा, क्योंकि ये 6-8 फलिया में
हमें इसी नाम से विजय जोकर के नाम से सनवाल जोकर के नाम से ही जानते हैं। अच्छा। और इस बार का मुझे गर्व है कि प्रभु राम की कृपा से हमें ये सम्मान मिला। इसके लिए मैं तहे दिल से भगवान राम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं सोमेश्वर क्षेत्र में पैदा हुआ और मुझे मेरे लिए गर्व की बात है। तो नए बच्चे जो आते हैं कमेटी में या फिर जो आपसे जुड़ते हैं उनको कैसे आप ट्रीट करते हैं अभी? अब जो नए बच्चे हैं अभी हम उनको सिखाने का प्रयास करते हैं, जो हमारी धरोहर है, जो राम के बारे में रामायण वो देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, कई रामायण आ रही हैं अभी, और अलग अलग क्या कहते हैं स्टाइलिश भी हैं जो उसमें, अब उनकी भी मनोबोली यह है कि हम भी उसी टाइप से अपना किरदार निभाएं, लेकिन हमको ये समझाना पड़ेगा कि वो समय ऐसा नहीं था, उस समय ये साधन नहीं थे। जो हमारी नेचुरल चीज़ है उस चीज़ को हम समाज में दिखाएं, जो पहले से दिखाई जाती थी, और आज भी हम वही प्रयास कर रहे हैं कि वही चीज़ दिखाएं, जो आजकल आर्टिफिशियल चीज़ है वो चीज़ ना दिखाएं, उससे गलत संदेश जाएगा समाज में। तो अभी समाज देखो ना किस तरह से खासकर युवा नशे की ओर भी बढ़ रहे हैं, मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में काफ़ी नशे का प्रचलन बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं अगर राम के व्यक्तित्व से तो हर कोई सीख सकता है, तो अगर रामलीला में नए लोग जुड़े तो मुझे लगता है कि नशे की ओर बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो कम होगी। तो आप कैसे प्रयास करते हैं कि नए नए लोग यहाँ पे आए, खासकर युवा? देखिए ऐसा है, हमारे बुजुर्गों ने ही पहले से ही नियम बनाए थे, जब रामलीला होती है तो हम लहसुन प्याज का तक सेवन नहीं करते हैं, हम 11 दिन भोजन भी यहीं बनता है, रामलीला कमेटी में ही बनता है, और सारे पात्र जितने भी पात्र होते हैं हम भोजन भी यहीं करते हैं, घर का तक भोजन नहीं करते क्योंकि उसमें कोई ऐसा तामसी भोजन ना कर सकें, और यही हमारी संस्कृति रही है। और अभी भी जब भी हम ये रामलीला करेंगे तो हमारा भोजन यहीं बनता है और उसमें सात्विक भोजन करते हैं, जो कि इस टाइप के विचारधाराएँ ना आए और कोई क्या कहते हैं नशा पानी ना हो, और नशा करके भी उसमें भी क्या कहते हैं वो है हमारा प्रतिबंध है। हाँ, तो आप बताएं क्या क्या परिवर्तन आए हैं? परिवर्तन देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आपने अभी सनवाल जी से पूछा था कि मतलब कोई यादगार पल, मेरी भी एक यादगार पल है इस रामलीला से जुड़ी हुई, बहुत अच्छी यादगार है वो। मुझे अंगद के पाठ का बड़ा शौक था, लेकिन मुझे तालीम भी दी गई और मुझे खिलाया भी गया पाठ, लेकिन जब जिस दिन मेरा पाठ था अष्टम दिवस को इसका पाठ होता है, तो मेरा सुबह से मतलब मुझे इतना परेशान करके रखा हुआ था कि तेरे से नहीं होगा तो उन्हें नहीं खेलना है। अब मेरे दिल में भी बड़ा अजीब सा हो गया, मैंने कहा यार मेरे से नहीं होगा पाठ, कैसे नहीं होगा भाई, मैंने तो पहले बताओ कि ये किस समय की बात, कौन सी है? 1997-98 की बात है। अच्छा। हाँ, आज की बात नहीं है। तो मुझे ये लगा, मैंने कहा यार मुझे इतना नर्वस क्यों करा जा रहा है, लेकिन मैंने भी दिल में ठान ली, मैंने कहा यार मेरे को खेलना है तो खेलना है। तो मतलब मैं कमेटी के उन पदाधिकारियों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अब वो काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है, तो कहने का मतलब है उन्होंने बिल्कुल ये कह दिया था कि तेरे बस का है ही नहीं। लेकिन जब मैं रात को जब रामलीला हुई, जब मैं मंच में गया तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो गया था कि मतलब मैंने पार्ट तो खेला, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसा खेल रहा हूँ, लेकिन जब मैं पार्ट खेल के अंदर आया अपना अभिनय करके, तो मतलब मेरे स्टाफ के और मेरे कमेटी के आदमी ने मेरे मतलब पीठ ऐसे थपथपाई कि मतलब मेरा दिल ऐसे गदगद हो गया, मैंने कहा वाकई में यार मैंने पार्ट खेला, मुझे बड़ा मतलब बहुत अच्छा लगा उस टाइम। तो एक चैलेंज था मेरे लिए, मैंने उस चैलेंज को स्वीकारा और उसका जवाब भी दिया, जवाब कहने का मतलब अपने अभिनय से दिया, ऐसे कोई किसी को गलत बात से नहीं दिया। हाँ, दिन में तो मुझे इतना रुलाया गया, अब मैं क्या बताऊँ, सनवाल जी प्रत्यक्ष से यही भरी है, मुझे बहुत रुलाया गया कि तेरे बस का है नहीं। और एक बात और, अभी आपने अध्यक्ष महोदय से एक बात करी थी कि मतलब आप तो संसाधनों का इतना मतलब प्रचलन है कि मतलब कैसी मतलब आप रामलीला होती है, पहले क्या हुआ करता था, पहले संसाधन तो थे नहीं, लेकिन मनोरंजन जो था वो खाली एक सीमित रामलीला हो गई और कई और चीज़ जो होती थी, कठपुतली और मदारियों का खेल, उसमें लोगों का जुड़ाव हुआ करता था, तो लोग काफ़ी भीड़ और संख्या में आया करते थे। आज संसाधन होने के बाद, इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद लोगों को रुचि बहुत कम हो चुकी है, वो इसलिए क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल है, तो काफ़ी व्यस्तता लोग अपने मोबाइल में रखते हैं, और यहाँ जो हम रामलीला साल में एक बार करते हैं उसमें लोगों की रुचि बहुत कम रहती है। नई जनरेशन जो है अभी, इनकी रुचि तो मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि जीरो है, सच बात है, क्योंकि क्या होता है हमारे जितने भी ये अभी हम पुराने लोग ये हैं यहाँ पे, जो हम बचपन से जुड़े हुए थे, इन्हीं लोगों की रुचि रह गई है और नए लोगों की रुचि बहुत कम है, कहने का मतलब मेरा ये है।
हम उनको समझाते हैं, बुलाते हैं, आओ पाठ खेलो, अपना अभिनय दिखाओ, कल को आपके बच्चे आएंगे वो भी, हाँ यार मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, मेरे दादा ने ऐसा पाठ खेला था, हम भी खेलेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को समझाते हैं। समझने वाला जो बच्चा होता है वो समझता है और आगे भी आता है और खेल भी रहे। अब जो ना समझ है उन लोगों को हम फिर क्या कर सकते हैं, आते हैं, बैठते हैं और फिर अपने चले जाते हैं। ये था तो ये बताइए, आप ये बताइए कि कला जो है हमारी प्रतिभा को तो निखारती ही है, जी जी, एक जो होता है आत्मविश्वास उसको भी बहुत बढ़ाती है जब आप मंच में अभिनय करते हैं, तो वो कैसा रहा जब आपने मंच में गए उसके बाद? सर्वप्रथम जब मैं सखियों से गया मेरे को मंच का अनुभव हुआ, फिर मैं धीरे धीरे दीपक जोशी जी हमारे उनके साथ जुड़ा, उनके साथ भी मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, फिर मैं सनवाल जी के साथ जुड़ा, सनवाल जी के साथ भी मेरे को बड़ा अनुभव मिले, सनवाल जी के साथ हमने राष्ट्रीय देहरादून, अल्मोड़ा, हॉलबाग बहुत जगह कार्यक्रमों गए, वहाँ भी हमने बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, पूरी हमारी टीम थी, सनवाल जी के मार्गदर्शन भी मैंने बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं, पार्ट भी मैंने अनेक खेले हैं, फिर मैं सनवाल जी के साथ, विजय भाई के साथ जॉगरिंग में भी उतरा, जॉगरिंग में भी मेरे को जरा इंटरेस्ट आया, वो भी मैं करने लग गया, सभी करता हूँ, भजननुमा का पार्ट खेला, केवट का पार्ट खेला, निषाद का पार्ट खेला, खरदूषण का पार्ट खेला, ये अनेकों पार्ट खेले। तो कौन सा पार्ट आपका सबसे पसंदीदा रहा? मेरे को जॉगरिंग वाले पार्ट बड़े पसंद आते हैं। अच्छा। जैसे भजन की ईजा का हो गया, ये पार्ट मेरे को बड़े पसंद आते हैं ना, बाली सुगरी का पार्ट हो गया, उछल कूद वाले पार्ट मेरे को बड़े पसंद आते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है, सबसे बड़ी विडंबना यह है, ये छह राठ फया की हमारी रामलीला है, छह राठ फया का इसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर सहयोग होता था, आज जो जरा नगण्य हो रहा है, कुछ लोग तो बाहर बच गए हैं। मैं छह राठ फया वालों से यही अपील करना चाहता हूँ, आप इससे जुड़ें, जो लोग बाहर भी रहते हैं, यहाँ समय नहीं भी दे पाते हैं, वो फिर भी रामलीला का सहयोग करें। और नई पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगा, इस हमारी इस धरोहर को जैसे आज हम बचाए हुए हैं, आने वाले समय में ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने इसको सीखना है, आपको इसने नए बच्चों को सिखाना है। जुड़ें, अधिक से अधिक जनसंख्या में जुड़ें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, पार्ट खेलें, पार्ट नहीं भी खेलते हैं, इससे आपका कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे। अच्छा, जैसे ये है ना कि कई लोग तो मंच पे काम नहीं कर पाते, मतलब पार्ट नहीं खेल पाते, बाहरी सहयोग भी करते हैं, वो कैसे मदद कर सकते हैं? जो मंच पे नहीं जा सकते हैं वो हमारा बाहरी तौर पे सहयोग कर सकते हैं, अनेकों का ये मंच बनाना है, खाने की व्यवस्था है, सामान की व्यवस्था है, कभी ये लाना है, दरिया बिछाने हैं, चटाइयाँ बिछानी है, मंच की साज सज्जा करनी है, इस चीज़ में सहयोग कर सकते हैं, वॉलेंटरी है, लोगों को बैठाना, लोगों को व्यवस्थित करना, ये चीज़ में अपनी रुचि रख सकते हैं ने? सब अपने अपनी भागीदारी कोई तन से निभाता है, कोई मन से निभाता है, कोई धन से निभाता है, ये तो एक सामाजिक काम है, इसमें तो अकेला चना भाड़ फोड़ नहीं सकता है, ये सब ये काम मिलजुल के ही होते हैं, जब हम सब इकट्ठे होंगे, हमें एकजुटता होगी, तभी चीज़ अच्छी भी होगी। अब हमें तो ऐसा है, शौक भी है, लगे भी हैं, अब इसीलिए हम लोग जुटे रहते हैं, जुटे हैं, डेढ़ महीने से तालीम कर रहे हैं, जुटे हैं, कलाकारों को तैयार कर रहे हैं, नई पीढ़ी से कहते हैं, बैठते हैं, आते हैं, फिर भी हम उनको आवाज़ और ये पार्ट खेलो, और ये पार्ट खेलो, हम फिर भी कहते ही हैं। अब नए लड़कों में जरा सा मोबाइल ने भी जरा सा डिस्टर्ब किया है, सामाजिक कार्यों में मोबाइल ने बहुत डिस्टर्ब किया है, इसलिए आप क्या कहें, जिद भी आजकल कर नहीं सकते हैं, पढ़ने लिखने वाले भी लड़के हैं, लड़कों का अपना भविष्य भी है, उस ओर भी जाना ही है। मैं यही अपील करूंगा कि यार जो यहाँ हैं जरा रुचि रखें, और जो लोग हमारे बाहर हैं वो भी रामलीला को किसी न किसी तौर पे सहयोग करते रहें। तो इस बार कब से रामलीला? इस बार हम रामलीला करेंगे दशहरे में 3 अक्टूबर से। हाँ, पहले नॉर्थ से हम रामलीला करेंगे, अपना मंचन करेंगे, और यही हमने सोच रखा कि दशहरे के दिन हम अपना रावण का वध करें। तो दोस्तों, ये थी आज की बातचीत सोमेश्वर की जो रामलीला कमेटी है उनके सदस्यों से, पदाधिकारियों से और जो कलाकार हैं उनसे। उम्मीद करता हूँ आपने ये चेहरे सोमेश्वर में देखे होंगे, और भी तरह से आपने ये देखे होंगे, क्योंकि इनमें से 2-3 चेहरे ऐसे हैं जो इन दिनों छबीलो पहाड़ करके एक बहुत ही बढ़िया चैनल चला रहे हैं यूट्यूब पर, और बढ़िया बढ़िया उस पर लघु फिल्में निकालते हैं कुमाऊनी में। तो उम्मीद करता हूँ उनसे बातचीत जो मैंने की वो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपकी भी किसी प्रकार की यादें जुड़ी हैं सोमेश्वर की रामलीला से, या फिर कहीं की भी रामलीला से, अपने गांव की रामलीला से, अपने क्षेत्र की रामलीला से, तो कमेंट करके आप भी अपनी यादें शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम, टाटा।